हेलो मेरे YouTube फैमिली, आपको फर्स्ट पिक्चर ये देख के अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ दो खूबसूरत से प्लांटर्स। और इन्हें बनाने के लिए मैंने कुछ बेसिक से वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं वो यूज़ किए हैं, जो कि जनरली हम सभी के घर में होता ही होता है और उसे हम वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं। बट मैंने यहाँ पे उन्हीं सारे वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके ये वाली DIY बनाई है। मैंने अपने लास्ट DIY में भी इन्हीं सारे वेस्ट मटेरियल को ही यूज़ किया था और उन्हीं में से कुछ मटेरियल जो बच गया था उसे ही मैं यहाँ पे यूज़ करके ये खूबसूरत से प्लांटर्स बनाने वाली हूँ, जो कि है ब्राउन पैकेजिंग पेपर और कार्डबोर्ड। उन्हीं बचे कुछ ब्राउन पैकेजिंग पेपर और कार्डबोर्ड से मैंने ये दोनों प्लांटर्स बनाया है। तो इसे कैसे बनाया है अगर आपको जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला प्लांटर मैं बनाती हूँ, तो इसके लिए मैंने एक बॉक्स लिया है। एक्चुअली मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था कार्डबोर्ड का, तो मैं इसी से ही प्लांटर बनाने वाली हूँ। तो इसके अपर साइड में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे मैं कट करके निकाल लूँगी। निकालने के बाद में मेरे पास एक ये बर्लैप क्लोथ है जो मैंने बहुत पहले मीशो से मंगाया था। अभी तक मैंने इसका कहीं यूज़ नहीं किया है, तो मैंने सोचा इसे हम इसी वाले ही DIY में यूज़ कर लेंगे। तो ये शीट तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने बॉक्स के साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया। और इसके बाद इसके चारों तरफ हमें इसे पेस्ट कर लेना है। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने इसे पेस्ट किया है। तो इसके एजेस को मैंने साइड से थोड़ा कट किया है ताकि अंदर अच्छे से इंसर्ट हो सके। अच्छा, अगर आप भी अगर इस तरीके का प्लांटर बनाते हो बल्ले क्लोथ के साथ में, तो अगर आप इसे पेस्ट करना चाहते हो तो फेविकोल से, मेरी सजेशन ये रहेगी कि फेविकोल के साथ इसे आप पेस्ट मत करना। अगर आपके पास में फेवी बॉन्ड हो या फिर ग्लू गन हो तो आप उससे पेस्ट करना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी फेविकोल के साथ पेस्ट करने में। बल्कि मुझे जो क्राफ्ट ग्लू होता है या फिर कह सकते हैं आप फैब्रिक ग्लू, उससे थोड़ा इजी हो रहा था पेस्ट करने में। अगर आपके पास में ग्लू गन है तो आप सबसे अच्छा होगा कि उसके साथ ही पेस्ट करिए। इसके बाद मैंने एक और पीस कट किया है जिसे अब मैंने बॉक्स के अंदर ही पेस्ट कर दिया है ताकि थोड़ा स्ट्रांग हो जाए इसका बेस। और साथ ही बैक साइड में भी मैंने एक स्क्वायर शेप कट कर लेने के बाद में बैक साइड में भी पेस्ट कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे वीडियो में कि मेरे पास तो ग्लू गन है, तो मैंने इसे क्यों नहीं यूज़ किया। एक्चुअली ये ग्लू गन मैंने ऑर्डर किया था, बट वीडियोस के उस टाइम में मेरे पास ये ग्लू गन ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ था। बट जब मेरे पास ये आ गया तो मुझे लगा कि मुझे इसे टेस्टिंग भी करनी चाहिए इसकी। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा और फिनिश लुक देने के लिए यहाँ पे पतली पतली पट्टियाँ ब्राउन शीट्स की कट कर ली और उसे ही मैंने ग्लू गन से चिपकाने की कोशिश की है। अच्छा, इसे चिपकाने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि जब भी आप ग्लू गन के साथ काम करो, मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था इसके साथ, तो मुझे ये समझ में आया कि जब भी आप ग्लू गन के साथ काम करो तो आपके फ़ैन ऑफ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्विक ड्राई होता है। तो आप फ़ैन वगैरह ऑफ करो उसके बाद ग्लू गन के साथ काम करो और ये बहुत अच्छे से स्टिक कर देता है। इसके बाद मैंने कार्डबोर्ड को यहाँ पेस्ट कर लिया है। कुछ इक्वल साइज के कार्डबोर्ड्स मैंने चार पीसेस कट किया और उसे चारों साइड में पेस्ट कर लिया। पहले मैंने सोचा था कि इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैं जैसे लास्ट वाले DIY में टाइल्स बनाया था मैंने ब्राउन शीट इसके ऊपर पेस्ट कर लेने के बाद में, तो वैसे ही मैंने ट्राई किया था। बट मुझे वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट ट्राई कर लेना चाहिए। तो इसके बाद मैंने जो कार्डबोर्ड कट किए थे उसे एज इट इज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन ट्रेस कर लिए हैं। ट्रेस एक्चुअली नहीं किया, मैंने खुद यहाँ ड्रॉ किए डिज़ाइन सारे। तो डिज़ाइन ड्रॉ कर लेने के बाद में कलरिंग भी मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। तो कलर्स मैंने एक्रेलिक कलर ही अप्लाई किया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन कलर्स का नहीं है, मेरे पास चॉक पेंट वगैरह नहीं है, तो मैं एक्रेलिक कलर को ही कभी मन करता कन्वर्ट कर देती हूँ चॉक पेंट पे। बट मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर ही यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। और साथ ही आप देख सकते हो क्या कुछ डॉट पैटर्न्स बनाए हैं मैंने, साथ ही कोन वर्क भी किया है। तो आप सोचोगे कि कोन कौन सा है, तो ये कोन वही है जो मैंने अपने एक बहुत पहले एक वीडियो में मार्बल पाउडर से 3D कोन कैसे बनाया जाता है वो बताया था। वो कोन ही मैंने एज इट इज रख दिया था, जो कि मैंने स्टोर करके एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रखा था। अगर आपको जाना है कि ये कोन कैसे बनाए जाते हैं और इसे कैसे हम स्टोर करके रख सकते हैं एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। साथ ही मैं उसे डिस्क्रिप्शन में मैंशन भी कर दूंगी, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो कोन व्हाइट कलर का मैंने यूज किया है, ये मैंने यूज किया है एक्रेलिक वॉल पुट्टी का। अगर आपके पास एक्रेलिक वॉल पुट्टी नहीं है और आपके पास मार्बल डस्ट पाउडर है, तो आप उससे भी कोन बना करके इस तरीके के कोन वर्क कर सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने कोन बनाने का प्रोसेस यहाँ पे शेयर नहीं किया है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो चेक कर सकते हो और किस तरीके से कोन बनाए गए हैं वो आप सीख सकते हो। हमेशा वाली मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। साथ ही साथ
बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें और आपको मेरे सारे वीडियोस फटाफट देखने को मिल सकें। अब देख सकते हो कि मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ मोल्डेड क्ले पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसकी थोड़ी और फिनिशिंग की जाए, थोड़ा इसको डिटेलिंग दी जाए, तो इसलिए मैंने साइड में इसके आउटलाइनिंग की है इस क्ले से ही, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बनाए हैं जो कि नेल कटर से मैंने बनाए हैं। आपके पास अगर नाइफ हो तो आप नाइफ से भी इस तरीके से बना सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलरली देखते होगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे पास ना ही बहुत ज़्यादा तरह तरह के टूल्स हैं और ना ही अलग अलग टाइप के कलर्स हैं। मेरे पास जो भी लिमिटेड सप्लाईज हैं मैं उससे ही काम चला लेती हूँ और मेरा क्राफ्ट बन के रेडी हो जाता है। आप देख सकते हो कि नीचे थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा जो कि कार्डबोर्ड और ऊपर के बॉक्स के बीच में था, उसे फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे जूट रोप था मेरे पास में पड़ा हुआ, उसे मैंने फिल कर दिया उससे ही। और ये देखिए ये कितना ही क्लासी लुक दे रहा है, ये बन के पूरी तरीके से रेडी हो गया है। आप इसे चाहो तो एज ए प्लांटर भी यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ अगर आप इसे ऑर्गेनाइज़र के जैसे यूज़ करना चाहते हो, अपने कुछ आर्ट सप्लाईज हो गए, स्टेशनरीज हो गए, कुछ भी हो गए, या आप किचन में भी इसे यूज़ कर सकते हो एज ए ऑर्गेनाइज़र। अब बारी आ जाती है हमारे सेकंड आइडिया यानी सेकंड प्लांटर की। प्लांटर कह सकते हैं या ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मेरे पास कुछ ब्राउन शीट्स जो मेरे पिछले वाले डीआईवाई से बच गए थे, जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पीसेस में कट भी करके रखे हुए हैं, वो बचे हुए थे, तो उसे ही मैंने यहाँ पे यूज किया है। और यूज करके मैं पतली पतली इस तरीके से डंडिया कह सकते हैं बना ली है यहाँ पे, एक्चुअली डंडिया तो नहीं कह सकते, हाँ स्टिक्स कह सकते हैं। तो इस तरीके के मैंने बहुत सारे स्टिक्स बनाई है, और स्टिक्स बनाने के लिए आपके पास कोई भी पतला सलाई टाइप की चीज़ हो या क्रोशिया हो या फिर कोई भी पतली स्टिक हो आपके पास में, जिसकी हेल्प से आप इस तरीके से इसे बना सकते हो। इस तरीके की स्टिक बना लेने के बाद में मेरे पास एक पुराना सा किचन से निकाला हुआ एक ऐसा बॉक्स था, बॉक्स नहीं कहेंगे एक्चुअली कंटेनर था, तो कंटेनर को ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया और इसकी चारों तरफ मैंने ये सारे स्टिक्स को पेस्ट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा स्टिक्स होंगी उसे हम कट करके निकाल लेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको मन करे वैसा शेप देने का वैसा आप कट करके निकाल लो। तो मैंने दोनों साइड से जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टिक्स थी उसे कट करके निकाल लिया है। हाँ इसको कट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है स्टिक बनाने के बाद में, तो मैंने यहाँ पे ग्रोथ कटिंग वाली सीजर यूज़ की है। और साथ ही इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा था यहाँ कंटेनर का, तो उसे भी मैंने हॉबी नाइफ से कट करके निकाल दिया है। अब मुझे इसे लुक देना था एक वुडन बॉक्स का, तो आप चाहो तो अगर इसे कोई और कलर का आप करना चाहो, रेड ग्रीन येलो जो भी आपका मन हो वो कर सकते हो, बट मुझे इसे वुडन लुक देना था तो इसके लिए मैंने ब्राउन कलर लिया है और उसके अंदर मैंने बहुत सारा पानी मिक्स कर लिया है। आप कह सकते हो कि 50-50 का प्रोपोर्शन रखना है कलर और पानी का। उसके बाद एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पे कलर अप्लाई कर लिया है। फ़ैन ब्रश अगर आपके पास ना हो आप कोई भी फ्लैट ब्रश लो और उसके बाद हल्के हल्के स्ट्रोक्स डालते हुए यहाँ पे वुडन लुक दे सकते हो। और ध्यान रहे कि इसके अंदर आपको कलर की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है, 50-50 रख सकते हो आप। उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर जब पूरी तरीके से सूख गया है तो यहाँ पे वॉर्निश भी अप्लाई कर दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो वॉर्निश अप्लाई किया था वो है लिटिल बर्ड का, तो उसे अप्लाई करने के बाद मुझे इसे इतना अच्छा लुक नहीं मिल रहा था, तो बाद में मैंने इसके ऊपर जो है क्लियर वॉर्निश जो कि हमें हार्डवेयर की शॉप में मिल जाता है वो वाला अप्लाई किया था, तो उससे बिल्कुल अच्छा से एक लकड़ी वाला लुक मिल रहा था। अब आप देख सकते हो ऊपर में ये जो खाली पोर्शन था उसे भी मैंने फिल कर दिया, एक्चुअली वो पार्ट मेरे से स्किप हो गया है, वो भी मैंने ब्राउन शीट्स जो एक्स्ट्रा मेरे पास बचे हुए थे उसे रैप करके उसके अंदर पूरी तरह से अंदर डाल करके इसे एक्स्ट्रा जो भी पार्ट खाली पड़ा हुआ था उसे फिल कर दिया है। और इसे थोड़ा और फिनिश लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे जो वाइट डोरियाँ आती है कॉटन की, मेरे पास वो एक गोला काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है जो मैंने पहले भी काफ़ी सारे अपने डीआईवाईज में यूज़ किया है, उसे मैंने पेस्ट कर लिया है ऊपर साइड में भी और नीचे साइड में भी। अब देखो ये दोनों ही प्लांटर कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, पहले वाला भी कितना प्यारा लग रहा था और ये दूसरा वाला भी प्यारा लग रहा है। आपको ये दोनों ही आइडियाज़ कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वॉर्म्स डेकोर।